नमस्ते, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। और मनोज टाइगर जी के बारे में अगर कुछ मुझे बोलना है तो मैं जितना भी बोलूंगा कम होगा उनके लिए, क्योंकि मनोज टाइगर जी एक ऐसे कलाकार हैं जो मुझे पहली फिल्म में ही मिल गए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि पहली फिल्म ही मैंने उनके साथ में किया, और तब से लेके अभी तक हम लोग साथ में काम करते आए हैं और आगे भी जब तक करेंगे तो साथ में करते रहेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग ये बात कहते हैं कि इंसान जीवन भर सीखता है, पर जीवन भर सीखेगा तब जब उसके सामने कोई ऐसा हो जिसे देखकर सीख पाए। अगर हम काम कर रहे हैं और सामने कोई काम करने वाला हमसे भी कमज़ोर है तो हम उससे क्या सीखेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी फिल्म में मनोज टाइगर जी रहें, क्योंकि वो जब जिस सीन में होते हैं और जिस सेट पे होते हैं मैं उनको देख के सीखता रहता हूं। मैं पहली फिल्म से ही और आज भी सीखता हूं, आगे भी उनसे सीखता रहूँगा किसी भी सीन को कैसे करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, आवाज़ को कैसे वो बदलते रहते हैं। तो कमाल के एक्टर हैं, और मैंने पहले ही कहा कि मैं जितना भी बोलूँगा उनके बारे में कम होगा। बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैं उनके साथ फिल्म करने के लिए कितना बेचैन रहता हूँ कि अगर कोई प्रोड्यूसर ये कह देता है कि भैया मेरा बजट थोड़ा कम है और मैं मनोज भैया के जगह थोड़ा कम पैसे वाला कोई एक्टर ले लूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम मेरे पैसे में से उनको पैसे दे देना, लेकिन उन्हीं को रखो। चाहिए तो अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो मेरा पैसा काट के उनको दे दो, लेकिन उनको रखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो फिल्म में रहें। और वो रहते हैं तो निश्चित रूप से फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा रोचक बन जाती है। वो मनोज भैया, चूँकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे ही नहीं है, किसी की भी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे नहीं हो सकती है जब तक वो दिल में ना उतर जाए। तो मनोज भैया लोगों के दिल में उतर गए हैं और उनके काम के बदौलत। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं कोई भी फिल्म करूँ तो मुझे मनोज टाइगर भैया के साथ काम करने का मौका मिले, हमेशा मैं उनके साथ काम करूँ। और आज तक उनसे सीखता आया हूँ, आगे भी मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। और बस, और क्या बोलूँ, मनोज भैया का जन्मदिन है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मनोज भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा व्यस्त रहिए और एकदम खुश रहिए, और आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत लंबी हो, खुशहाल हो। आप हमेशा चहकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हम लोगों को आपके साथ काम करने का मौका मिलता रहे, यही कहना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे मनोज भैया, मनोज टाइगर जी, हैप्पी बर्थडे।